हेलो एवरीवन, ये हमारा केमिस्ट्री के PYQs का दूसरा पार्ट है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट PYQs कवर करने वाले हैं। इन दोनों पार्ट्स को अगर आप पूरा देख के इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करेंगे तो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अक्सर कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा तो कोल्ड ड्रिंक में H2O प्लस CO2 ही मिला होता है जो मिलके बनाता है H2CO3, जिसको मैं कार्बोनिक एसिड कहता हूँ। ये कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है कोल्ड ड्रिंक में। Our next question is which one of the following was the first mineral acid discovered? तो first option is sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid and phosphoric acid. तो इसका answer है sulfuric acid was our first discovered mineral acid. और ये सारी acids हमारी mineral acid हैं। दो तरीके की acids होती हैं, mineral और organic acid। जो हमारे mineral से मिलती है वो होती है mineral acid और दूसरी होती है हमारी organic acid। organic acid का example है acetic acid। ये होती है हमारी ऑर्गेनिक एसिड और ये एसिड्स होती है हमारी वीक एसिड और मिनरल एसिड्स हमारी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आइसोटोप्स एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोबार्स एटम विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटोन्स एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। जब भी आइसोटोप्स की बात आए, आइसोटोप जो होते हैं उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। और जब भी हम बात करें आइसोबार्स की, आइसोबार्स बिल्कुल आइसोटोप्स का उल्टा होता है। जैसे आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर है तो आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और आइसोटोन्स की टर्म से ही क्लियर है, आइसोटोन्स में होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल डेफिनेशन से सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोबार्स में होगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर और आइसोटोन्स में होगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड नो प्रेशर। तो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हुई तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसा कि देख के क्लियर है, न्यूक्लियर फ्यूजन से कभी भी क्वेश्चन आता है तो सन में जो हमारी रिएक्शन होती है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और स्टार्स में भी सेम रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और इसका फंडा यह है कि ये टेक्स प्लेस करती हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, इसीलिए इन प्रोसेस को हम थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस भी कहते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस किसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं क्योंकि दे टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो इसका बहुत आसान आंसर है जिसका नाम है हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल वॉज द वन हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, बट जो रेडियो एक्टिविटी टर्म था वॉज कॉइंड बाई मैडम मैरी क्यूरी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन सजेस्टेड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस, द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द शेल। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और हम इजीली आंसर टिक कर पाएंगे। सबसे पहले जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था उसने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की,
और इसने अपने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में जिस फॉयल का यूज करा था वो थी गोल्ड फॉयल। तो ये दो क्वेश्चन रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से आते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, जेजे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन। नहीं, जेजे थॉमसन के मॉडल का नाम था वाटरमेलन मॉडल, और जेजे थॉमसन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया था। इसके हिसाब से जो हमारा एटम था वो क्या था, एक वाटरमेलन था, जिसमें जो पल्प वाला पार्ट है वो प्रोटॉन है और जो सीड वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब भी एटॉमिक नंबर की बात आएगी तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज, ये बिल्कुल नोट करेंगे। जब भी एटॉमिक नंबर निकालने की बात आई तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जाहिर सी बात है थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो मेरा मास नंबर होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द रिएक्शन ZnO + C गिव्स यू Zn + CO, C act as an एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दिया होगा, तो ये समझ लेना कि वहां पे सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के साथ में पूछे जाते हैं, तो उसमें एसिड बेस को बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो सबसे पहली बात देखते हैं, ZnO + C, Zn + Cu। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा हम देखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, जहां पे भी एड ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, और ऐसे ही उल्टा अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन। बिल्कुल याद करेंगे, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन। ये बिल्कुल याद करेंगे। अब देखते हैं ZnO + C गिव्स यू Zn + CO। तो ZnO में से अगर मैं देखूं तो ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब ZnO का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले तरीके का सवाल ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसने ये निकाल लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ये निकालना बहुत आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, तो खुद का करेगा रिड्यूस, तो सेल्फ रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे के रिडक्शन में मदद करे, तो क्या होगा सेल्फ ऑक्सीडाइज। तो हम बिल्कुल क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें पूछा है सी एक्ट एस, अब आप देखेंगे जो सी है उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, सी ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब सी का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का रिडक्शन हुआ, तो सी ने इसके रिडक्शन में मदद करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। सबसे पहले ग्रेफाइट, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ग्रेफाइट मिक्सचर नहीं, जबकि ग्रेफाइट होता है एलोट्रॉप, वो भी कार्बन का। अगला क्वेश्चन है ग्लास, अगला क्वेश्चन है मेरा ग्लास। तो ग्लास मिक्सचर होता है, ग्लास मिक्सचर होता है, बिल्कुल याद करेंगे, सैंड एंड सिलिकेट्स का, ग्लास मिक्सचर होता है सैंड एंड सिलिकेट्स का। और जब भी ब्रास हो, और ब्रास क्या है, ब्रास एक एलॉय है जिंक और कॉपर का। तो अलॉय क्या होता है, जब मैं दो मेटल को मिक्स करता हूं आपस में तो मेरा क्या बनता है अलॉय। ऐसे ही स्टील, स्टील भी अलॉय होता है, जब भी मैं आयरन में कार्बन के साथ निकल और क्रोमियम मिला दूं तो मेरा स्टील बनेगा। तो
आयरन में कार्बन के साथ निकल और क्रोमियम मिला दूं तो स्टील बनेगा, ब्रास हो गया जिंक और कॉपर का, ग्लास हो गया सैंड एंड सिलिकेट का मिक्सचर, तो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन लेकिन यहाँ से ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ऑप्शन से कभी ना कभी सवाल पूछा गया है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डायरेक्ट याद करेंगे, जब भी सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स जो आप हम कपड़ों में डालते हैं, आपने यूज करी होगी कि कुछ टाइम बाद वो खुद ही डिकम्पोज हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में होती है और खुद ही डिकम्पोज हो जाती है, तो यहाँ पे एक चीज जरूर दिमाग में क्लिक करेगी, जो चीज सॉलिड से एकदम डिकम्पोज होकर गैस में कन्वर्ट हो गई उसका क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लीमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, सब्लीमेशन। तो यहां पे जब भी क्वेश्चन में आए नेप्थलीन बॉल्स एंड सोडियम क्लोराइड, यहां पे सोडियम क्लोराइड नहीं होगा ऑप्शन में, यहां पे अमोनियम क्लोराइड होगा, बिल्कुल नोट करेंगे, यहां पे NH4Cl होगा। जब भी ऑप्शन में NH4Cl और नेप्थलीन आएगा आंसर हमेशा सब्लीमेशन होगा। सब्लीमेशन प्रोसेस मैंने पुरानी वीडियो में कवर करी हुई है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रोप नहीं होता। नाइट्रोजन का एलोट्रोप इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो हमारे बाकी के बचते हैं तीन। तो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और एक होता है O3, ओजोन, जिसको कहते हैं ओजोन। ओजोन का कलर होता है ब्लू। ऑक्सीजन मेरी नॉन टॉक्सिक होती है और ओजोन मेरी टॉक्सिक होती है। अगला है सल्फर। तो सल्फर के भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो सल्फर के 32 के अबव भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हम उसकी बात करेंगे। इसका है मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक, या इसको रोम्बिक भी कहते हैं डायरेक्ट। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तो कोई एलोट्रॉप नहीं होता। अगला होता है कार्बन। कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फ्लोरेंस। पहला है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो जो डायमंड है, देखो डायमंड से क्वेश्चन हमेशा आता है, डायमंड से क्वेश्चन आता है हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तो हार्डेस्ट जब भी पूछा जाए तो उसका आंसर होगा डायमंड। दूसरा सवाल यहां से आता है कि कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसका आंसर होगा ग्रेफाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को आपको डायमंड दिखाएगा, बट जो यूपीएससी है वो एनसीईआरटी को प्रिफर करती है, तो एनसीईआरटी की बुक में फ्लोरेंस को प्योरेस्ट लिखा है, तो आपका आंसर हमेशा फ्लोरेंस होना चाहिए। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। तो वाटर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात, दो वाटर की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सबसे पहले वाटर की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होता है वो होती है इसकी पोलैरिटी। पोलैरिटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 के आसपास होती है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको मैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहता हूं। दूसरा वाटर से जो क्वेश्चन आता है, वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। तीसरा जो वाटर से क्वेश्चन रिलेटेड आता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं मैक्सिमम, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। तो आप नोट करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल से मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। ये आइस में एग्जिस्ट करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ के केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आइस में एग्जिस्ट करता है। और अगला क्वेश्चन,
वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो कोहेसिव और एडहेसिव। तो बिल्कुल समझेंगे कोहेसिव और एडहेसिव का मतलब क्या होता है। कोहेसिव मतलब है अगर वाटर वाटर से बॉन्ड बनाए, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाए तो उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स अगर वाटर किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, माना मैंने अगर मैंने NaCl डाला तो उसके Na प्लस के साथ बॉन्ड बना दिया तो वो क्या हो जाएगी उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी और पोलैरिटी जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहता हूँ, इसके कारण वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो वाटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिएक्टेंट्स इन द फ्लास्क प्रोड्यूस बबल्स ऑफ गैस एंड इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। द रिएक्टेंट इन द फ्लास्क आर, जब भी लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की आएगा तो आंसर हमेशा CO2 में छिपा होगा। जब भी लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की आएगा तो आंसर हमेशा CO2 में छिपा होगा। और कभी भी पूछे तो लाइम वाटर मिल्की क्यों बनेगा, CO2 की वजह से ही बनेगा। तो पहला ऑप्शन है जिंक प्लस HCl, जिंक और HCl मिला के जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देंगे तो हाइड्रोजन गैस से हमें कुछ नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसका बाद मेरा ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें मेरा मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मेरा बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और HNO3, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस HNO3, जिससे भी हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमें चाहिए CO2। अगला मेरा है मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से भी मुझे CO2 बिल्कुल नहीं मिल सकती, तो मेरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट में ही तो CO2 छुपी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर मैं हाइड्रो HCl के साथ रिएक्ट कराऊँ तो मेरा बनेगा MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कार्बोनेट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में ज़्यादा डीप नहीं जाना, हम कार्बोनेट को ढूंढेंगे क्योंकि एक कार्बोनेट ही है जहां से हम CO2 मिल सकती है और ये CO2 ही है जो लाइम वाटर को मिल्की करेगी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन में मुझे बहुत डाउट होता है। सबसे पहले इसका आंसर होगा N2O5। सबसे पहले बात करते हैं एनहाइड्राइड्स होते क्या हैं। एनहाइड्राइड्स वो होते हैं जैसे कोई गैस है CO2 को मैं H2O के साथ रिएक्ट करवाऊं तो मेरा बने H2CO3। तो CO2 जो है वो एसिड एनहाइड्राइड है, मतलब एसिड में से अगर मैं पानी निकाल दूं तो CO2 बन रहा है, तो CO2 क्या हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे ही अगर मैं N2O5 को H2O के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेरा बनता है 2HNO3। तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है N2O5। और अगला मेरा इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं NO2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं तो मेरे HNO3 प्लस HNOT दोनों एसिड्स मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा N2O5, क्योंकि N2O5 जो एनहाइड्राइड है उससे मुझे सिर्फ नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, जबकि NO2 से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, NO2 से हमें HNO3 प्लस HNO2 दोनों मिलते हैं। इसलिए जब भी इस क्वेश्चन में, वैसे तो इस क्वेश्चन को देख के हम क्लिक कर देंगे कि N2O5 इज द करेक्ट आंसर, बट कभी कभी N2O5 और NO2 को साथ में पूछा जाता है और क्वेश्चन सेम आता है कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड है। तो एनहाइड्राइड ऑफ जब भी नाइट्रिक एसिड पूछे तो N2O5, बाकी किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उस एसिड में से वाटर निकालना है। एसिड में से अगर आप H2O निकाल दो तो समझ लो आप एनहाइड्राइड निकाल देंगे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसा कि मैं अपने लेक्चर में पहले भी बता चुका हूं, जब भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की बात आएगी हमेशा आंसर होगा फ्लोरेंस। इसमें तो चारकोल, कोक, फ्लोरेंस और कार्बन ब्लैक है, कभी कभी फ्लोरेंस के साथ डायमंड भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो डायमंड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि गूगल में डायमंड आंसर दिखा रहा है, जबकि एनसीईआरटी फ्लोरेंस को आंसर मानती है और वैसे भी फ्लोरेंस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रीन
मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर हम बिल्कुल इसको इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, C3H7Cl हमें से इसका डायग्राम बना, इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। C3H7Cl को लिखेंगे हम सबसे पहले C3, तीन कार्बन, उसके बाद H7, तो इस कार्बन, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो तीन हाइड्रोजन एक। अब इधर देखिए, जो बीच वाला कार्बन है इसके दो बॉन्ड बन गए हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन लगा सकते हैं। और हमारे पास एक क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तीन दो पाँच, पाँच हाइड्रोजन हमारे लगा दिए, तो मतलब हमारे पास दो हाइड्रोजन बचे हैं और एक Cl बचा है। अब हमें कोवेलेंट बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। दीज ऑल आर नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड। जो ये आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड टाइप होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो अब हम बिल्कुल बॉन्ड दिखेंगे, तीन यहाँ पे हैं, चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो आंसर इसका होगा 10। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने का हो, तो हम उसका मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन देके बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन सी टैबलेट हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगी जब भी हमें हमारे स्टमक में HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो। HCl के ज़्यादा सीक्रेशन को मैं क्या कहता हूँ, एसिडिटी कहता हूँ। तो एसिडिटी रिमूव करने के लिए जो सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव होगा, वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर, जो कि आपने एक सिरप देखी होगी डाइजीन में, यही मिला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगली बात, जो हमारा इनो होता है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम अच्छा अल्टरनेटिव यूज़ नहीं करते टू रिमूव द एसिडिटी, क्योंकि वो स्टमक में HCl के सीक्रेशन को ट्रिगर करता है, जिसके कारण फर्दर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी की एक्सेस हो जाए। तो सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव होगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो हमने जितने क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन 2010 से लेकर 2020 तक का सारा पोर्शन कवर करते हैं। जो हमारी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इस सीरीज़ को इस तरीके से पिकअप किया गया है कि 2012 से लेकर 2020 तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब इन 20-30 क्वेश्चंस में आपके कवर हो जाएं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे अगर आप NDA या CDS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।